हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो डेटाबेस की है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप टैली की क्लास करना चाहते हैं तो 8 बजे से टैली की क्लास लाइव चलेगी और आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन और बेल आइकन प्रेस करना है। 8 बजे से आपको जुड़ना है, आप उस लिंक से जा सकते हैं। आपको हमारे लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सर्च कीजिए, वहां से लाइव क्लास का लिंक उठाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और 8 बजे से जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है वही बनाना है। तो बनेगा कैसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, तो यहां पर एक्सेस को ओपन कर लेता हूं। सबसे आसान है एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस को ओपन किया, यहां पर ब्लैंक डाटाबेस आपको मिल जाता है, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे ऐसा सिनेरियो आएगा, ये देख सकते हैं ना। अब यहां पर आप डेटाबेस का चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रहने देने वाला हूं और क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से आएगा और अब यहां पर आपको व्यू पे क्लिक करना है और यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं इंस्टीट्यूट टी, ठीक है, यानी इंस्टीट्यूट टेबल। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी आईडी आएगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। फिर इसे ऑटो नंबर रखा है और यहाँ पे नेम कर देते हैं NAME अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, बाकी यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर फीस या कोर्स नेम ऑफ कोर्सेज लिख देते हैं, CORSES कोर्सेज। तो कोर्सेज के लिए हमें यहां से ड्रॉप डाउन बनानी है। तो एमएस एक्सेस में ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी, तो यहां पर लुकअप विजिट पे जाएंगे और यहां से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे क्लिक करेंगे और यहां पर नाम लिखेंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा CCC, फिर नीचे आएंगे यहां पर लिखा हमने OLEVEL, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो अगला आएगा यानी ADCA, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो अगला आएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे PGDCA, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर पाइथन, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर जावा। तो ये जो भी कोर्सेज हैं सबकी फीस एक ही है, ठीक है। तो यहां पर जो है इस पे नेक्स्ट करेंगे और यहां से इसे फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो डालना है। तो यहां पे एड्रेस दे देते हैं AWDREESS और एड्रेस को हम लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे, तो यहां से इसे लॉन्ग टेक्स्ट कर लीजिएगा और यहां पे कर देंगे हम सिटी, ये सिटी कर दिया हमने। और सिटी के बाद हम क्या करेंगे, पिन कोड कर देंगे, तो यहां PIN पिन लिख दिया हमने, ठीक है। ये पिन हो गया यहां पर, देख सकते हैं, और पिन को हमने टेक्स्ट ही रखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर जैसे ही पिन लिख देंगे तो फिर यहां पर अब व्यू पे क्लिक करना है हमें, किस पे क्लिक करना है, व्यू पे, ठीक है। और व्यू पे क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये ऐसे आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्लोज करना है और क्लोज करके देखिए इसे सेव भी कर लीजिएगा और यहां से क्रिएट पे जाके फॉर्म डिजाइन पे जाके फिर यहां से एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर आएंगे और एक एक को ड्रैग करके यहां लाएंगे। तो ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, जो भी फील्ड्स हैं उन सबको यहां लाना है। ये हो गया इस तरीके से, यहां पे आया और फिर ये इस तरीके से यहां आएगा, ठीक है। और ऐसे ही पिन भी लेके आ जाएंगे हम, तो यहां से पिन भी लेके आते हैं, तो ये उठाया हमने यहां से लेके आएंगे, ये हो गया पिन कोड, ठीक है। तो ये सारी डिटेल यहां पर आ गई। अब एक काम करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हैं और एक साथ इसको नीचे लेके आते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, एक लेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेबल है हमारा और यहां पर इस तरीके से हम इसे ड्रैग कर देंगे तो फिर हम यहां पर लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। तो चलिए अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, यहां पर मैं इसे हिंदी फॉन्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां पर लिखेंगे हम मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने यहां पे दे दिया है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे चेंजेस, यहां पर इसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट कैसे करेंगे,
यहां से जाइएगा और इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी साइज बढ़ा लीजिएगा। साइज कैसे बढ़ाएंगे, होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे जाकर के और यहां पर देखिएगा तो साइज बढ़ाने के लिए आपको देगा ये, ठीक है। तो यहां से आप साइज बढ़ा सकते हैं या शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके आप साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो हमने लेबल बनाया है ना, यहां पर इसे छोटा बड़ा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसकी साइज को बढ़ाना है तो यहां से जाकर के और साइज हम बढ़ा लेते हैं, 36 कर देते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसको आप यहां से ट्रैक करके बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से, ये देख सकते हैं। और यहां से थोड़ा सा इसको भी बड़ा करेंगे। अब ये हो गया मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको दिख रहा होगा इसमें। यहां से हम चाहे तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे बैकग्राउंड, यहां पर जाएंगे और यहां पर ये बैकग्राउंड जो है येलो कर देते हैं हम। और बाकी यहां पर इसका भी चाहे तो कलर आप बदल सकते हैं, वैसे सेंटर अलाइन और यहां पर जो भी हो इसको करके कायदे से, और फिर यहां पर एंटर करिएगा इस तरीके से। और अब क्या करना है, अब यहां पर जो नीचे चीजें दी गई है ना, इनको सेलेक्ट कीजिएगा एक साथ और इनको ऊपर थोड़ा सा बढ़ाइएगा इस तरीके से। जब ऊपर बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा, ठीक है। और जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको यहां पर ड्रैग करना है इस तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा कि एक ही सेलेक्ट रहे, सारा सेलेक्ट होगा तो सारा एक ही साथ आने लगेगा, ठीक है। और यहां पर इसको छोटा कर लीजिएगा लेवल की साइज को। बाकी यहां पर ये हो गया और यहां पर इस तरीके से, और यहां पर ये एड्रेस वाला है तो यहां पर एड्रेस वाला आ गया है, और ये सिटी हो गया और ये आपका पिन हो गया, ठीक है। बाकी इसका भी कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो यहां से बैकग्राउंड कलर पे जाके और इसका भी कलर आप बदल दीजिए, तो जो कलर लेंगे वो कलर आ जाएगा। और इसको हमें क्या करना है, प्योर तरीके से हमें इसे क्या करना है, ब्लैक कर देना है, फुल्ली ब्लैक, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, फिर इसे बोल्ड भी कर देंगे तो ये ऐसे नजर आएगा। और अब यहां पर क्या करना है, यहां से हम अरेंज पे भी जा सकते हैं, तो ये अरेंज आपको मिल जाएगा यहां पर, और यहां पर आपको मिलेगा साइज और स्पेस। तो मैं क्या करता हूं ना, डिक्रीज वर्टिकल करूंगा, तो यहां पे साइज डिक्रीज हो जाएगी। और ये बटन है आपका, तो बटन आप लगा सकते हैं। तो बटन को लगाने के लिए हम यहां पर साइड में थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहां पर हम लगाएंगे बटन। तो ये पहला बटन है हमारा, इस पे इस तरीके से ड्रैग करिएगा तो ये ओपन होगा। और यहां पर हम नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन बनाएंगे, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया और इसे हम टेक्स्ट ही रखेंगे और यहां से फिनिश करेंगे। तो ये देखिए ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन है। फिर यहां पर हम आएंगे वापिस और क्लिक करेंगे, देन यहां पर इस तरीके से ड्रैग कराएंगे और ड्रैग कराएंगे तो यहां पर आएगा प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड हो जाएगा और यहाँ ये टेक्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, तो ये एक नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया, दूसरा प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन हो गया, यानी दोनों ही बटन हमने बना लिए। अब हम अगला बटन बनाएंगे, एड न्यू रिकॉर्ड का चाहे तो बटन बना सकते हैं या कोई भी ऐसा बटन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट का प्रीवियस का बना दिया है, यहां पर क्लिक करते हैं वापिस और फिर यहां पर ड्रैग करवाते हैं। तो ड्रैग करवाएंगे तो फिर यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन में आप जा सकते हैं और यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड का एक बटन बनाते हैं, तो ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन है और यहाँ पे नेक्स्ट करके और फिर ओके करिएगा तो ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन हो गया। इसी तरीके से कोई और भी बटन बनाना हो तो आसानी के साथ आप बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से कहां चलेंगे, फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे और प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे, और प्रॉपर्टी शीट पे जाकर के और यहां से हम चूज करेंगे फॉर्म, क्या चूज करना है आपको, फॉर्म। और यहां से पॉपअप को यस करना है, ये आपको यस कर देना है, यानी पॉपअप आपका यस रहेगा। तो यहां से पहले हिंदी फॉन्ट को चेंज कर देता हूं इंग्लिश में, देन यहां पे पॉपअप को यस कर देता हूं, तो यस कर दिया और एंटर कर दिया हमने, तो ये काम हो गया है। अब हमें इसे सेव करना है, तो इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नाम से सेव कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट एम मैनेजमेंट। तो ये हो गया। अब जब आप देखेंगे तो इसमें मैंने कोई वीबीए नहीं लगाया है, तो सिंपल सा एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे आर ए एम राम लिखा हमने, यहाँ पर आए कोर्स कौन सा है इनका, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन्होंने एडीसीए में एडमिशन लिया, तो इनका एड्रेस है मान लीजिए न्यू कॉलोनी देवरिया, ये इनका एड्रेस है मान लीजिए। यहाँ पर आए सिटी इनकी क्या है, देवरिया है। आप इसके लिए भी चाहे तो ड्रॉप डाउन बना सकते थे, आसान था। और यहाँ पिन कोड जो है हमने दे दिया, तो ये पिन कोड हो गया। और पिन कोड दे करके और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड का बटन बनाएंगे तो ये सेव भी हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तब जो है आप देखेंगे कि इसमें ये डेटा सेव हुआ या नहीं, तो ये ऑटोमेटिक सेव कर देता है, ये एक्सेस की खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। आप चाहे तो इसके लिए बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर वापस फॉर्म डिजाइन पे जाके इस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक बटन बनाएंगे सेव रिकॉर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर सारे बटन दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें सेव रिकॉर्ड का बटन बनाना, तो ये सेव रिकॉर्ड के बटन पे जाके क्लिक कीजिए,
टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो ये बन गया आपका सेव रिकॉर्ड का भी बटन, यानी सारे ही चीजें आपने बना ली हैं। अब यहां पर क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, तब यहां से रिकॉर्ड भी सेव होता रहेगा और नेक्स्ट करेंगे तो अगला रिकॉर्ड यहां पे आप एंटर कर पाएंगे। जैसे यहां पे श्याम कर देते हैं और इन्होंने किस में एडमिशन लिया है, तो यहां पर आपको कोर्स की डिटेल चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने ट्रिपल सी में एडमिशन लिया है, तो ये ट्रिपल सी कर दिया, एड्रेस जो भी हो इनका यहां पे डाल दीजिएगा और यहां पे सिटी भी डाल दीजिएगा जो भी सिटी इनकी हो, और जो भी इनका पिन हो वो यहां पे आ जाएगा और फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये सेव हो गया, तो अब इसको क्लोज करेंगे तो यस करके, चलिए यस कर देते हैं। और यहां पर अब आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पहला रिकॉर्ड है, और अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं तो आपको दूसरा भी रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर इस रिकॉर्ड में कुछ गलती होगी, डिलीट करना है, तो यहां से डिलीट भी कर देंगे तो ये एक ही रिकॉर्ड बचेगा आपके पास। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये एक ही रिकॉर्ड बचा हुआ है। तो देख सकते हैं ना, इस तरीके से आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।